तो फाइनली यार जेके बॉस ने एक डिसीजन लिया है, लेफ्ट ओवर पेपर्स एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ हाई सेकेंडरी पार्ट वन क्लास 11th एनुअल रेगुलर 2020 ऑफ कश्मीर डिवीजन एंड वार वन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन स्टूडेंट्स के लिए। तो जो पेपर्स पोस्टपोन किए गए थे 11th क्लास के, तो अब स्टूडेंट्स को उन पेपर्स का एग्जामिनेशन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है एंड मार्क्स अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड जेन्युइन अपडेट, जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके रखना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे हद से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलो अब हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज मुझे इस वीडियो में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ पहले ही सॉरी बोल के रखता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एंड सेहत भी थोड़ी ख़राब है। अगर कुछ गलती हो जाए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड सॉरी मैं पहले ही बोल के रखता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो अब हम देखते हैं कौन से पेपर्स पोस्टपोन किए गए थे। तो जो पेपर्स 3rd जनवरी 2021 को एंड 6th जनवरी 2021 को होने जा रहे थे वो पोस्टपोन किए गए थे। क्यों किए गए थे? ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और जो ये पेपर्स पोस्टपोन हुए थे ये पूरे कश्मीर डिवीजन के हुए थे और वारवन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट सेंटर नंबर 23606 हाई सेकेंडरी स्कूल वारवन का भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया था। तो ये हमने देखा कि कौन से एग्जामिनेशन किस डेट के एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए थे। तो अब हम देखते हैं कि अब जेके बॉस ने कौन से डिसीजन लिए हैं। तो जो डिसीजन लिए हैं जेके बॉस ने वो आप आराम से सुनना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। द मार्क्स इन लेफ्ट ओवर थ्योरी पेपर्स डेट वर पोस्टपोन शैल बी अवार्डेड प्रोपोर्शनेटली एज द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन अदर थ्योरी पेपर्स इन विच ही शी अपीयर्ड। तो जो पेपर्स थ्योरी पेपर्स पोस्टपोन किए गए हैं तो उन पेपर्स के लिए जो मार्क्स होंगे तो वो मार्क्स अकॉर्डिंगली जो पेपर्स आपने थ्योरी पेपर्स आपने कुछ सब्जेक्ट्स के दिए होंगी अकॉर्डिंगली उन पेपर्स पे आपको पोस्टपोन पेपर्स के भी मार्क्स दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। जो पेपर्स आपके पोस्टपोन हुए हैं उन पेपर्स के जो मार्क्स है वो अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस पेपर्स जो आपने दिए हैं अकॉर्डिंगली डेट आपको वो मार्क्स दिए उन पेपर्स के मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, द मार्क्स इन द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल शैल बी अवार्डेड प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कश्मीर डिवीजन एंड विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन। और जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स है वो आपको ऑन द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे। जो और इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो आपके रेस्पेक्टिव स्कूल्स ने कंडक्ट करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपके जो मार्क्स है वो अकॉर्डिंग डेट टू पॉइंट्स दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रखूँगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रही होगी आप मुझे नीचे कमेंट्स करना, वहाँ पे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा एंड ये नोटिफिकेशन खुद पढ़ना, आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये थे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो रिसेंटली जेके बॉस ने आउट की है। तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड जेन्युइन अपडेट्स, जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।